सम्मानित देशवासियों को एक बार फिर से नमोबुद्धाय जय भीम। बहुजन एक आवाज़ टीवी में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं हिसाली, गाज़ियाबाद ज़िले का एक बहुत ही शानदार, खूबसूरत और हरा भरा इलाका हिसाली, जिसमें बहुत ही जुझारू मिशन को लेकर बहुत ही समर्पित और आजीवन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले आजीवन प्रचारक, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं देविंदर हिसाली जी से। देविंदर हिसाली जी, आपका बहुजन एक आवाज़ टीवी में स्वागत है और आपको सादर नमोबुद्धाय जय भीम। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुजन की जो ये आपका चैनल चल रहा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आने वाली 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। लेकिन उस शुभकामना के साथ साथ में, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, वो आज भी मानसिक गुलाम हैं। तो आप बोलिए। चलिए, अभी देवेंद्र साली जी ने आपको बताया और कि आज़ादी का क्या क्या देश से रहा वो पूरा नहीं हो पाया। साली जी, आप आज जो माहौल चल रहा है मिशन को लेकर, जगह जगह बातें हो रही हैं बाबा साहब के मिशन को, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से उसको, उसका जो रूप है वो ढाल रहे हैं और वो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं उन पे सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, जो कि बाबा साहब के मिशन के लिए ठीक नहीं। कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें घुस आए हैं, तो इस बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? सर देखिए, मैं इसमें ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक तो हम कि बिना सबूत के किसी भी व्यक्ति पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कोई भी व्यक्ति चाहे वो। दूसरा नंबर यह है कि ये जो लोग इसमें असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने ना तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, ना हमारे साहब मान्यवर आदर्श, हमारे समाज के नेता जो बाबा साहब के बाद हुए मान्यवर साहब काशीराम जी को पढ़ा, ना उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पढ़ा, ना सावित्रीबाई फुले को पढ़ा। और भगवान गौतम बुद्ध तो इंटरनेशनल है, संसार को ज्ञान देने वाले। तो समाज में जो व्यक्ति इनको पढ़ेगा, चाहे वो संसार में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, वो समाज के साथ सबसे पहला नंबर तो है कि वो कभी भी समाज को लूटने का प्रयास ही नहीं कर सकता। दूसरा नंबर, समाज के अंदर जो व्यक्ति दिन रात जा जा कर सही दिशा में काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी ऐसे लोगों की वजह से कदम रुक जाता है। मिसाल जी, जैसा हमें सूचना मिलती रहती है आपके बारे में, हम सुनते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है सम्मान एक अधिकार, जिसके माध्यम से आप जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी आपका जो कार्य क्षेत्र है वो किस ओर है और वहाँ आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? सर देखिए, मैं एक सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल इसलिए हमने लॉन्च करा था, इसमें हमने बहुत सारे लोगों से योगदान दिया था। इसका जो गांव-गांव के अंदर हम जा जाकर काम करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बनता है, उनका फेस टू फेस बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई आप लोग बाबा साहब, भगवान बुद्ध या समाज के हमारे जितने महापुरुष हैं उसके विषय में आप कितना जानते हो। तो आपको अफसोस होगा कि मैं 100-200 गाँव के कार्यक्रम करता हूँ, कोई भी बच्चा ठीक से बाबा साहब की जयंती भी नहीं बता पाता कि उनका जन्मदिन यहाँ इस डेट में है, यहाँ पैदा हुए, MSc BEd MEd करने वाले बच्चे। और गांव में इस टाइम हमारा जो लक्ष्य चल रहा है वो मुजफ्फरनगर चल रहा है। मेरे साथ में बहुत सारे समाज के क्रांतिकारी, हर संडे हम अपने वाहन से, अपनी गाड़ी से, अपने किराए से, हर चीज़ अपनी लगा के वहाँ निःशुल्क किताबें भी देखा रहे हैं, कैडर कैंप भी देखा रहे हैं। सम्मान एक अधिकार को आप खोल के देख सकते हैं। तो जैसे आपने अभी बताया कि MSc वाले बच्चे भी बाबा साहब की जीवनी तक, मतलब उनका जीवन परिचय भी नहीं जानते हैं, तो इतना सोशल मीडिया होने के बावजूद भी, इतनी संसाधन होने के बावजूद भी, आज की डेट में हर एक बच्चे के हाथ में कुछ होना हो लेकिन ये फ़ोन ज़रूर है, मल्टीमीडिया फ़ोन इसको बोलते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है कि उन तक वो सूचना और संदेश, मैसेज पहुँच नहीं पा रहे? सूचना और संदेश का लक्ष्य यह है कि हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है उसको हम बचपन से एक चीज़ सिखाते हैं कि तुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना, इंजीनियर बनना, DM बनना, SDM बनना है। लेकिन हम कभी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि तुझे देश का नेता बनना है। अगर वो देश का नेता नहीं बनेगा, अधिकार कहाँ से मिलते हैं? मंदिर मस्जिदों से मिलते नहीं, अधिकार मिलते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा से। और जो बच्चे हमारे नहीं जान रहे, भाई इतिहास तो हमारा, दुश्मनों का इतिहास कौन बताता है? किसी किताबों में तो बाबा साहब का या इनका महापुरुषों का शब्द मिल नहीं रहे,
अब बच्चे इनकी भी क्या गलती बताएं हम। अब जो बहुत सारे जो हमारे किताब छापने वाले लोग हुए हैं, प्रकाशक हुआ है, और बहुत सारे समाज में युवा क्रांति कर रहे हैं, जैसे जिस पे भी जिस जो भी हिसाब है उसका, उसके लिए उन सभी का साथ हुआ था। और उनको मेरा स्पेशल हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि भाई काम करो ईमानदारी से, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, और काम हर हफ्ते करो। जितना ज्ञान आपके अंदर है उतना बखेरो, ये ज़रूरी नहीं कि आप फुल बुद्धिस्ट बनने के बाद भी बखेरोगे या पूरी बाबा साहब की गोलियाँ पढ़ोगे जब भी आप बखेरोगे। जितना आपको ज्ञान हो रहा है उसे बुलाओ, क्योंकि बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओ तो अंधकार खत्म होगा। यही जो है बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई मेरे संघर्ष का फ़ायदा शहर के लोग तो उठा कर ले गए, लेकिन गांव गांव में मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंची। 18 मार्च 1956 से अगर हमारे समाज के जितने वरिष्ठ लोग जिन्होंने भी चाहे जयंती मनाई, चाहे उन्होंने गाना बजाना करा, चाहे उन्होंने कुछ भी करा, जो प्रचार करा, अगर वो गांव गांव के अंदर जा जा कर प्रचार करते तो आज हमारे समाज की स्थिति ये नहीं होती। सबसे बड़ा दोष जितने मिशनरी हमारे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हैदराबाद जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, वो केवल शहर तक है सीमित। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल वाले इतने बैठे, 100 रुपये दे दो किसी को वीडियो डाल देंगे, ये इन्हें कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि ये मिशनरी नहीं है। इनको वहाँ जाते हैं जहाँ इन्हें दाना मिलना है, सही बात इनके द्वारा डाल दो डालेंगे नहीं है, हम किसी का पर्दाफाश कर दो डालेंगे नहीं है। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी दुकान बंद हो रही है। तो जितने YouTube चैनल लगे, मेरे ख्याल से 15-16 YouTube चैनल चल रहे हैं जो आज की डेट में पॉपुलर है दिल्ली में, है जी। अगर ये 15 के 15 अगर एक 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 दिन एक गांव को पकड़ें तो कितने गांव कवर होते हैं भाई साहब? लेकिन ये कहां जाएंगे? जहां से इन्हें मसाला मिलना है। फिर क्या कहेंगे? मीडिया जो है ना, मीडिया हमारी बातें नहीं दिखाती, मनुवादी मीडिया, मनुवादी इन सब पूछोगे, ये बिना पैसे के कहीं गए किसी का इंटरव्यू लेने? क्या समाज के अंदर इन्होंने कुछ काम करके दिखाया है? जब इन्हें नॉलेज, किस गाँव की दशा दिखाई है इन्होंने बताओ? अच्छा देवेंद्र साली जी, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, मिशनरी। मैं बहुजन एक आवाज़ टीवी के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उनको ये मैसेज आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। जो मिशनरी शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इसका मतलब, क्या मतलब होता है? मिशन का मतलब होता है मिशन का मतलब है कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा और बौद्ध धर्म की देलो इच्छा। मिशन जो बाबा साहब के तीन नारे में, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित क्या बनना है? कि भाई पढ़ लिख लिए अपने समाज में, अगर आपने बीए करा है तो इंटर के बच्चों को पढ़ा लो, 8वीं क्लास के बच्चों को, पे बैक टू सोसाइटी को। और जो लास्ट है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, बाबा साहब की एक इच्छा थी कि इस धर्म को जितनी जल्दी तुम छोड़ दोगे और अपने घर में वापसी चले जाओगे तब तुम्हारी बुद्धि का विकास। इससे पहले आप चाहे अम्बेडकर राइट हो, चाहे बहुजन राइट हो, चाहे कोई से भी राइट हो, अगर आप बुद्धिस्ट नहीं है तो आप मिशनरी हैं नहीं। आप समाज को केवल यूज कर रहे हैं अपने लिए, चाहे वो नेता हो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो धार्मिक। अब हिसाली जी, एक सवाल और आता है, जैसे हमारे कुछ समाज के संपन्न जो लोग हो चुके हैं, और जब वो समाज में बैठते हैं तो वो बातें करते हैं बाबा साहब के बारे में, उनकी विचारों के बारे में, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर यदि उन्हें अपने घर में शादी करनी हो तो वो उसी मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से वो शादी करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश ये है कि हमारे में जो ना, बहुत सारे, जब से बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया तो हमारे में रायचंद बहुत पैदा हो। हम दूसरों को तो कहेंगे अम्बेडकर राइट करो, लेकिन अपने घर के अंदर नहीं है। हम दूसरों को तो कहते हैं ये काम करो, लेकिन हमारे घर के अंदर नहीं है वो। फिर क्या कहेंगे? अरे यार बालक मानते ना हमारे, अरे जब तू रिटायरमेंट होगा तेरा क्या चार्ट डालेंगे हम, जब तुम सर्विस के ऊपर हो कितने पे बैक टू सोसाइटी दे रहे हो? आप ये बताइए मुझे, जब कि सरकारी आदमी को मेरे जो कैलेंडर के हिसाब से 200 छुट्टियां पड़ मिलती हैं, एक साल में 200 छुट्टी मिल रही हैं, अगर 200 छुट्टी में 100 छुट्टी भी अगर वो समाज में जाएगा उसे माला भी गिरेंगी, उसकी बात कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन हम लोग इतने एक नंबर के लालची और एक नंबर के आलसी। हम टीवी पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के अपने आप कहते हैं मैंने बहुत बड़े मिशनरी, मुझे कई हज़ार मिशनरी मिल रही है, लेकिन मुझे आज तक कोई एक मिशनरी ऐसा नहीं मिला जिस आदमी ने कही हो कि मैं अपने 10 रुपये लगा के मैं गांव में जा रहा हूँ। मेरे साथ में बहुत सारे समाज के व्यक्ति ऐसे काम कर रहे हैं जिनके नीचे कई कई सौ लोग काम कर रहे हैं, वो बेचारे 1 रुपये का भी किसी का योगदान नहीं लेते। हम किसी से 1 रुपये की भी स्लिप नहीं काटते, कहीं कुछ नहीं। जो दे कार्यक्रम कभी होगा जब तो सहयोग मांगा जाएगा, लेकिन उसके बाद उसी दिन ख़त्म है जिस दिन कार्यक्रम खत्म होगा। उसके बाद ना कोई किसी से स्लिप, ना किसी से झूठ बोल के हम ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं। हम आज भी जा रहे हैं, हमारे साथ में बहुत सारे समाज के सम्मानित व्यक्ति जा रहे हैं, जो गांव-गांव जा रहे हैं,
तो वो लोग भी किसी एक रुपए का नहीं, अपनी जेब से तेल फूकना, हमें अपनी जेब से अपनी गाड़ी से जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, और अपने आप ही जो भी पुस्तक हमें लोग दान कर रहे हैं, अभी भी हमें गाजियाबाद के दो साथियों ने पुस्तकें दान करी, विमलेश बोझ जी ने और घनश्याम बोझ जी ने, वो निःशुल्क जा रही है मुजफ्फरनगर के अंदर। तो मिशन यही है कि हम सब लोग पे बैक टू सोसाइटी देना सीख जाएं। इसाले जी एक अंतिम सवाल हमारे दर्शकों को, अभी आपने गाजियाबाद में 8 मई से लेकर 18 मई तक एक धम्म यात्रा चलाई थी जी, उसका क्या उद्देश्य था और किस लिए उसको आपने इस तरह जमीन स्तर पर जो ये काम हुआ है उसको आप किस तरह से समाज के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको गाजियाबाद की एक बात बता दूं कि गाजियाबाद में मैं किसी भी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और कोई भी रथ एक ला आदमी लेकर नहीं चलता है। उसमें आपका भी साथ था, उसमें सुरेंद्र जी का भी साथ था, विमलेश बोझ जी भी थे, घनश्याम बोझ जी थे, सुखबीर बोझ जी थे, अरविंद जी, बहुत सारे लोग थे। तो जब आप लोगों ने उस रथ चलाया तो उसका मतलब ये होता है कि अब इस टाइम कांवड़ चली है, अभी 3 दिन पहले मेला ख़त्म हुआ कांवड़ का, हमारे यहीं से निकलते हैं लोग। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ कुछ करोड़ों लोग निकलता है, 3 दिन पहले रोड भी बंद है, किसी भी कांवड़िए को ये पता नहीं होगा कि तेरे लिए कितना अच्छा भोजन की व्यवस्था करी हुई, कौन इसका मालिक है, क्योंकि उन्हें ये मनुवादी परंपरा बढ़ानी है। और खाने का लालच दे दे के लोग जो ठल भेज देते हैं, 10 साल का बच्चा जा रहा है, 8 साल का बच्चा जा रहा है, उनको कांवड़ लेने जा रहा है, उसे नाम की तो पता नहीं, कांवड़ लेने जा रहा है किसकी जा रहा है, और हम उसका अगर हम विरोध करें तो वो गलत बात है। हमें अपना धर्म को चमकाना, हमें बुद्धिज्म फैलाना, उसके लिए हमें तन मन और धन, तीनों चीज़ की तो हमें जरूरत पड़ेगी और तीनों चीज़ हमें देनी है समाज में। हम साहब मान्यवर साहब को पढ़े हैं, जब आप तो उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे तो वो कोई हमारे समाज का नालायक का भी नालायक बच्चा होगा जो अपने समाज से 1% भी गद्दार है। राजनीति फंडा अलग है, लेकिन साहब काशीराम पढ़ने के बाद अगर आप समाज से गद्दारी करते हैं तो समझ लेना उनसे बड़ा दुश्मन। तो हमारे बहुजन जागरूकता, बहुजन एक आवाज़ टीवी के माध्यम से आप समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरे समाज से ये निवेदन है कि आप सब लोग जो गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ या जहाँ भी तक भी ये वीडियो जाए, जो भी साथी हमारे समाज में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जितना भी रुख कर सकते हो गांव के अंदर करो, चाहे आप मुजफ्फरनगर जाओ, चाहे आप जो हरिद्वार जाओ, चाहे आप लक्ष्य पूरा देश पड़ा कहीं भी जाओ, जितना भी आप मेहनत करें गाँव के अंदर करें। और दूसरा नंबर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम कर रहे हो उसे दिखाओ, उसकी अपनी आईडी बनाओ, लोगों को मत दिखाओ, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाओ। और जो भी लोग हमें अपनी तरफ से अपने नाम से या किसी भी चीज़ से जो भी बाबा साहब की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, उनको निःशुल्क देना चाहें तो वो निःशुल्क ही जाएंगी, उस पर आप ही के नाम से जाएंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी का भी, हमारे ऊपर बाबा साहब की कृपा है, भगवान बुद्ध की हमारे ऊपर कृपा है, हमारे बच्चों को 2 रोटी आराम से मिली, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। दौलत अगर हमें कमानी है तो हम मिशन बंद कर देंगे, अच्छा खासा बिजनेस करना जानते हैं, लेकिन जब तक हम मिशन चला रहे हैं तब तक हम मिशन ही चला रहे हैं। और एक व्यक्ति 2 काम कभी नहीं कर सकता, लोग भी कहते हैं कि एक 2 नाव में पैर धर के चिढ़ जाए, या तो हम मिशन चला सकते हैं या हम समाज सेवा कर सकते हैं, सॉरी अपना बिजनेस, तो अगर बिजनेस चलाएंगे तो समाज सेवा कर सकते हैं। तो देवेंद्र रिसाली जी, आप कोई खास संदेश? खास संदेश ये है कि मेरा आगामी मुजफ्फरनगर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ सुभारती के मैनेजर जो है वो काम कर रहे हैं, 13 अक्टूबर का हमारा सुभारती के अंदर 50,000 परिवारों का लक्ष्य है बौद्ध धम्म दीक्षा का, 50,000 परिवारों को देंगे, दीक्षा भी बोलेंगे जो पूरा परिवार लेगा, एक व्यक्ति ना लेडीज़ को दीक्षा है ना जेंट्स को दीक्षा है। बहुत बहुत साधुवाद आपका और बहुजन एकता आवाज़ में नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आपने अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र रिसाली जी को सुना, उन्होंने अपनी बातें बड़े बेबाक तरीके से आप सबके सामने रखी। मैं नरेंद्र कुमार, बहुजन एक आवाज़ टीवी के माध्यम से दोबारा आपसे मिलूंगा, कैमरामैन सुंदरपाल जी के साथ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।